आज डे टू है और कल हम एक दूसरे से लगभग लगभग अनजान थे। आज हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानने लगे हैं और 7 दिन में हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगेंगे, एक दूसरे को भी जानने लगेंगे और इस प्रोफेशन को भी हम लोग समझने लगेंगे क्या ये प्रोफेशन है। देखिए, ये ना एक जर्नी है। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो एक जर्नी होती है और इस जर्नी में काफ़ी सारे अप एंड डाउन आते हैं आपके सामने और वो आएंगे ही। इस जर्नी को ना आपको कंप्लीट करना है और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसकी डीप में जब जाते हैं तो इस प्रोफेशन को सब कुछ मानते हैं। आप जब इस जर्नी में आए हैं तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, देखिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपने स्तर पे हमेशा अपनी लर्निंग बरकरार रखनी है। हमेशा लर्निंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जब भी मौका मिलता है, कहीं यूट्यूब से, गूगल से, या किसी का ट्रेनिंग अटेंड करने का, कुछ भी, आप हमेशा अपनी लर्निंग जारी रखें। आज ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो अपना बहुत सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब के ऊपर भी डालते हैं। काफ़ी जगह आपको मौका मिलता है किसी से मिलने का, बातचीत करने का, तो ज़रूर आप करिए। आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज ना, उसको अपडेट करते जाना है। आपकी लाइफ में जितने ज़्यादा गुरु रहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। हमेशा आपको लाइफ टाइम ना एक स्टूडेंट बन के रहना है। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मुझे सब कुछ आता है। जब भी मौका मिलता है लर्निंग आप करें, है ना। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, आज हम शुरुआत करेंगे कल वाले सेशन से। कल हमने जो चीज़ों को समझा था, जो जाना था चीज़ों को, तो आपको ना रिकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बोला था, आपको रिकॉर्डिंग मिला होगा, एक 30 मिनट्स का और एक 2.5 घंटे का रिकॉर्डिंग मिला होगा। मैंने आपसे कहा कि उस रिकॉर्ड उससे ना आप बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। मतलब आपके घर में कोई बच्चा है तो आप में से ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने प्रैक्टिस करवाया हो उसका घर पे, तो प्लीज़ मुझे बताएं। हाँ जी सर, संदीप सर, प्लीज़ आप बताएं।